नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति श्रीवास्तव। अक्सर देखा जाता है कि शादीशुदा लाइफ में लाल कलर का महत्व बहुत ज्यादा माना जाता है। वैसे सभी लोग जानते भी हैं और समझते भी हैं कि लाल कलर प्यार का रंग माना जाता है, प्यार का प्रतीक भी होता है। लेकिन उसके अलावा आपकी लाइफ में सभी कलर कोई ना कोई प्रभाव डालते ही है, चाहे व्यवहार पर हो या फिर राशि के मुताबिक देखा जाए तो कलर का इफेक्ट सभी पर पड़ता है। देखा जाए तो इसमें मैं आपको बताऊंगी कि पर्पल कलर भी प्यार का प्रतीक होता है। यदि पर्पल कलर आप अपने कमरे में लगाते हैं, आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा खुशियां आ जाती हैं। अक्सर देखा जाता है कि मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो तो इसके लिए शुरुआत में ही महिलाएं और पुरुष हमेशा अपने प्यार को और भी ज्यादा अच्छा महत्व देने के लिए और रोमांस को बढ़ाने के लिए बहुत कोशिशें करते रहते हैं। लेकिन कलर भी उनकी जिंदगी में रंग भर सकता है। पर्पल कलर यदि आपके बेडरूम में हो तो आपके जीवन में प्यार भर देता है। यदि आपके जीवन को और भी ज्यादा एक दूसरे के साथ समझने के लिए टाइम स्पेंड करना हो तो अपने कमरे में पर्पल कलर का इस्तेमाल जरूर करें। आप अपने कमरे में चादरों का इस्तेमाल तो जरूर करते होंगे, लेकिन आप चादर सूती के इस्तेमाल की जगह पर आप सिल्की चादर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप सिल्क की चादर का इस्तेमाल करते हैं तो वह बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेंगी और आपके बीच में प्यार को बढ़ाती है। अक्सर देखा जाता है कि हम लोग बहुत सारी मेहनतें करते हैं ताकि हमारे बीच में कोई दरार ना आए या फिर हमारे बीच में कभी प्यार की कमी ना हो, तो उसके लिए आप अपने कमरे को इस तरह से पेंट करें या फिर ऐसे कलर का इस्तेमाल करें जो कलर आपके जीवन को और भी ज्यादा रोमांस भरा बना दे। वैसे तो देखा जाए तो पर्पल कलर सबसे बेस्ट माना जाता है, और अगर आपको पर्पल कलर ज्यादा अच्छा नहीं लगता है तो आप नेवी ब्लू, पिंक, येलो, रेड इन कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कलर भी आपके बीच में प्यार को बढ़ाता है। तो यदि आप मैरिड लाइफ को अच्छा बनाना चाहते हैं और अपनी मैरिड लाइफ में खुश रहना चाहते हैं तो जरूरी है कि कलर का इफेक्ट जरूर जान लें। यदि आप कलर को ध्यान से रखते हैं और अपने कमरे को उसी कलर से पेंट करते हैं तो आपके बीच में कभी दूरियां नहीं आएंगी। तो ये है कलर के इस्तेमाल करने का तरीका। यदि मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब तक के लिए मैं प्रीति श्रीवास्तव आपसे इजाजत लेती हूँ।